चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट अवे विद आवर नेक्स्ट लेक्चर. दिस इज ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ इट वाज अ इम्पॉर्टेंट लेक्चर दैट वी ऑल हैड डन. शायद छोटा सा वो लेक्चर था, बट आई एक्सपेक्ट सम्स ऑन दिस टू बी कमिंग इन एग्जाम्स. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोड्यूस द गुड्स विच आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. यू हैव टू बी क्वालिटी कॉन्शियस. कस्टमर वॉन्ट्स इट, यू हैव टू बी प्रोवाइडिंग इट. The real catch is try to provide great quality at a cheap price. Okay, shayad this is whatever everybody expects, but it might not be possible. Okay, but you try to balance it out. Aap log dekh lo, aapki company ke liye kya acha hai. Koi ek company agar quality conscious nahi hota, uska reputation nahi acha hota, customer se returns wagera bahut zyada hoga. Customers will not be happy about it. So as a company, it is your duty to evolve. It is your duty to become a better company. Why? Quality speaks for itself. If you buy the products which are of good quality, they last for a longer time. You will always speak good about the company. Okay. Example ke taur pe, you all might have noticed that also, especially the boys. Abhi example se Woodland ke shoes. Bande ka paon toot jata hai, lekin joote nahi tootte. So that speaks about the quality. Wo cheez dimag mein rehta hai. Mere dimag mein bhi raha because I have experienced it. Okay. So good quality always brings a lot of goodwill to a company. That is something like, you know, in long run that will always help. Okay, so be careful about it. So this chapter tries to tell you that maintain good quality of your product. It is something that is required for you all. Okay. TQM ka ek chota sa part TPM bhi hota hai, total productive maintenance, jo aapka next chapter hai. More about that in the next chapter. Okay. But let's start it off with this. The chapter starts with speaking of cost of quality. Yaad rakhna, koi ek company quality conscious nahi tha. Okay. Now it tries to become quality conscious. Aise hi sab cheeze nahi ho jati. You'll have to incur a lot of cost. We try to say cost of quality is in two parts. Cost of poor quality, cost of good quality. Zara socho abhi. एक कंपनी क्वालिटी कॉन्शियस नहीं था, प्रोडक्शन कर देता था, जो भी वेस्ट वगैरह होता था, ऑल दो थिंग्स आर ओके, वो डिस्पोज ऑफ वगैरह कर देता था. ओके, अगर ऐसा होगा तो इन दिस केस दे विल इनकर समथिंग कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी. कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी के अंदर वी हैव टू पार्ट्स. इंटरनल फेलियर कॉस्ट, जो कंपनी के अंदर होता है फैक्ट्री के अंदर, और एक एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट जो कस्टमर के एंड पर होता है. इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आप लोग क्वालिटी कॉन्शियस नहीं थे, मशीन्स आपके पास कैसा भी था, ओके, उससे बहुत ज़्यादा वेस्टेजेस वगैरह वो होता था, तो आपको क्या क्या कॉस्ट लगेंगे. सर वेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, स्क्रैप बहुत ज़्यादा आएगा, रीवर्क, गुड्स बनाया अच्छा क्वालिटी का नहीं बनता था, हम लोग उसके ऊपर फिर से काम करेगा, रीडिजाइनिंग द प्रोडक्ट, शॉर्टेजेस हो जाएगा, उसके बाद वी टेस्ट द प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि वी आर नॉट श्योर ये जो प्रोडक्ट बना है अच्छे तरीके से बना है कि नहीं. डाउन टाइम, मशीन्स बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते थे बिकॉज वी डिड नॉट परचेज प्रॉपर मशीन्स. एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, हम लोगों ने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेच दिया, वो प्रोडक्ट अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो रिपेयर्स वगैरह आएगा बहुत ज़्यादा. अगर प्रोडक्ट वारंटी के अंदर है तो रिप्लेसमेंट्स भी आएगा बहुत ज़्यादा, कंप्लेंट्स आएगा, रिटर्न्स आएगा. ओके, अगर आप लोग क्वालिटी कॉन्शियस नहीं हो, आपका ये सारा का सारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा होएगा. आई थॉट नहीं, लेट्स स्टार्ट टू डू गुड वर्क, लेट्स बिकम अ वर्ल्ड क्लास कंपनी, लेट्स ट्राई टू मेक द प्रोडक्ट्स विच आर सुपर प्रोडक्ट्स. ओके, तो आई ट्राई टू ब्रिंग इन बेटर मशीन्स, आई ट्राई टू ब्रिंग इन पीपल जो लोग प्रोडक्ट को चेक करेंगे, आई ट्राई टू ब्रिंग इन द पीपल हु विल ट्रेन माई वर्कर्स हाउ टू मेक बेटर प्रोडक्ट्स. ओके, दिस इज आई एम ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. इट इज़ अ फिलोसफी. ओके, ये सब चीज़ें दिमाग में ही होती हैं, एज सच कोई प्रोग्राम नहीं होता ऑफ TQM. These things are there. If you will follow them, you will become more quality conscious. You will produce products which are world class products. So, cost of good quality. Cost of good quality, in this case, we have two types of cost. Appraisal cost and prevention cost. Abhi appraisal cost kaun se hote hain? Prevention cost kaun se hote hain? Appraisal cost are those costs which are incurred once the product is made. Maine product bana liya, uske baad main test karta hoon, inspect karta hoon, product barabar bana ki nahi bana.
there is appraisal cost. Yaad rakhna, if you want to be moving towards great quality, you have to be ready to be bearing expenses, yaar. Jab tak ye sare kharche nahi karoge, you will not become a great quality company. So, appraisal costs are incurred after the product is made. You will have verification, quality edits, audits, ISO ka certifications will also come in this. Checking and testing. Product processes or service audits in order to find out ki jo aap log processes use kar rahe ho to manufacture, are those the best kind of processes in the industry or not. Just to say one small thing, if you want to be trying to improve, you can look into the best people in the industry ki wo log kya practices use karte hain, jisko hum log competitive benchmarking bhi bolte hain. Collaboration of the measuring and testing equipment. Collaboration matlab two things are synchronized. Okay. To kai bar kya hota hai, one machine is not synchronized with the other one. So therefore at that time, beech mein bahut sara waste generate hota hai. To aap collaborate karo, engineers ko bulao taki they produce the product which are far, far, far better. Ek aise hi bas chota sa example of collaboration. Okay, just like that, not in relation to your syllabus or something. You have ISS, International Space Station. Okay, kabhi Google ke upar search karna. It is a collaborative unit of US and Russia. So, it is there in space, okay. Wo din mein Earth ke 5 chakkar lagate. It is the heaviest machine ever made by the human being, which is in space. So initially it was a program that was run by NASA, okay, but then Russia also told in 1998 we will join hands. So US ka already ek space station tha, uske baad Russia ne bhi apna space station wo start kiya. They told we will join. Link kya hai, unka space station bhi space pe tha aur Russia ka bhi space pe, they had to be joined taki bada ho jaye. लेकिन जब ही ज्वाइन कर रहे थे तो क्या था, यूएस का जो एंड ऑफ द स्पेस स्टेशन है वो राउंड है और उनका जो है दैट इज लाइक अ हेक्सागन, तो वो दोनों ज्वाइन नहीं हो सकते क्योंकि अगर ज्वाइन होंगे देन इन दैट पर्टिकुलर केस देयर विल बी सम एयर गैप्स इन मिडिल जो स्पेस स्टेशन पर नहीं हो सकता. तो दैट टाइम दे हैड टू बी मेकिंग सम काइंड ऑफ अ न्यू डिवाइस, ओके, ताकि वो कोलैबोरेट हो जाए, ओके. सो जस्ट दैट, ताकि द थिंग्स मूव इन सिंक्रोनाइजेशन, उसको कोलैबोरेशन बोलते हैं. Prevention cost. Yaad rakhna, appraisal costs are incurred after the product is made. Prevention cost is incurred before the product is made. Something that helps you to prevent losses. So many examples. You plan your production. Supplier ko evaluate karo ki jo wo raw material humko de raha hai, pehle unko check kar lo ki wo barabar hai ki nahi hai. Uske baad error proofing. Capability evaluations, matlab try to find out the workers and the machines are capable or not before they start the production, taki losses hi na ho. Quality improvements, quality education and training, these are all some of the popular examples of prevention costs. Yaad rakhna, jab bhi aap quality conscious hone start ho jaoge na, tumko iske upar zyada kharcha karna padega, lekin uska ek advantage hoga, iske upar tumhara kharche kam hone start ho jayenge. The day you buy better machines, your cost will go up, but then your scraps will fall down, reworks will fall down, okay. So in end na, zara yaad rakhna, usually you will see this particular thing, that this figure will be more than this. So end ke na aapka kharcha zyada hoga, theek hai. You will usually notice this thing in real life. I'm not specifically trying to talk of any question. Agar tumhare question ke andar bhi aisa hua that you are incurring more cost on cost of good quality and saving lesser cost, तो कोई ऐसा बोल सकता है सर मतलब quality conscious होएगा तो cost बढ़ जाएगा, profit कम हो जाएगा. Yes, correct. एक angle से देखोगे तो, लेकिन एक और angle भी है. जैसे quality conscious हो जाओगे ना, your sales will rise, goodwill will rise, you will be able to increase the price of the product. तो ultimately in long run you will always benefit. TQM कभी अगर short run के अंदर losses भी दे, in long run that is always beneficial. Never ever discard that particular thing. ठीक है? अच्छा, evaluation of any proposal that improves quality. Relevant revenue. Cost saved due to decrease in poor quality. As I told, quality conscious हो जाओगे तो तुम्हारे ये वाले जो cost हैं बेटा कम होने start हो जाएंगे. लेकिन तेरे extra cost भी तो लग जाएंगे. कौन से extra cost? Cost incurred due to increase in good quality. ठीक है? अगर उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर
रेलेवेंट गेन आता है फिर तो प्रपोजल इम्प्लीमेंट करो ही करो, लेकिन अगर लॉस आता है देन ऑल्सो ट्राई टू से इन शॉर्ट रन TQM माइट नॉट गिव गुड रिजल्ट्स बट इन लॉन्ग रन इट विल ऑलवेज 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 बी गिविंग. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ पता नहीं क्वेश्चंस के ना दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा. द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू हैव बेटर क्वालिटी तुम्हारा सेल्स धीरे 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 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. तुमको शायद इसका इफेक्ट एक साल के अंदर ना दिखाई दे, तो अगर कोई क्वेश्चन के अंदर कभी कॉस्ट इज मोर देन द सेविंग्स तो लिख कर आना 100% लिख कर आना दैट ऑल्दो वी कैन सी दैट कॉस्ट इज मच मोर देन सेविंग्स सो इट माइट सीम दैट प्रपोजल इज नॉट फाइनेंशियली वायबल बट वी शुड ऑल्सो कंसिडर द अदर फैक्टर्स दैट इज इंक्रीज इन सेल्स इंक्रीज इन गुडविल एंड इन लॉन्ग रन वी विल बी एबल टू इंक्रीज द प्राइस एंड हेंस वी स्ट्रांगली एडवाइज दैट कंपनी शुड हैव अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव वाइल इवेल्युएटिंग दिस पर्टिकुलर प्रपोजल. ओके, नाउ दैट्स इट अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक छोटा सा पार्ट इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस दैट डील्स अबाउट द मशीन्स जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे. सी यू, बाय.